मित्रों नमस्कार। आज मैं जो आपके लिए विषय लेके आया हूँ वो अति महत्वपूर्ण है, खास तौर पर बिल्डिंग व्यवसाय से संबंधित छात्रों के लिए यह विषय अति लाभदायक है। आज का जो विषय है वो है ऊष्मा उपचार एवं विधियाँ, हीट ट्रीटमेंट एंड मेथड्स ऑफ हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वेल्डिंग की प्रक्रिया में हीट का बहुत ज़्यादा महत्व है। हीट का महत्व इस प्रकार से है कि जो हमारा कारखंड या जॉब होता है उसे कुछ दोषों से बचाने के लिए हमें उसे प्री हीटिंग या पूर्व तापन करना पड़ता है, अर्थात उसे गर्म करना पड़ता है। और जब वेल्डिंग की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है उसके पश्चात फिर उसको कुछ दोषों से बचाने के लिए उसे हमें पश्चतापन या पोस्ट हीटिंग की प्रक्रिया से गुजारना पड़ता है। अतः यहाँ पर ये जो हीट ट्रीटमेंट है ये एक अति महत्वपूर्ण विषय बन जाता है। इस विषय पर आपको समझना अति महत्वपूर्ण है और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आपको वेल्डिंग की प्रक्रिया से गुजरना है। चलिए, हीट ट्रीटमेंट इन वेल्डिंग। वेल्डिंग के दौरान ज्वाइंट वाले भाग को गलन ताप या मेल्टिंग पॉइंट तक गर्म किया जाता है, जबकि कारखंड जॉब के अन्य भाग ठंडे रहते हैं। अब यहाँ बात समझ में आई आपको कि जो जॉइंट वाला भाग होता है उसे हमें मेल्ट करना पड़ता है, उसे पिघलाना पड़ता है, इसीलिए कहा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट तक उसे हमें गर्म करना पड़ता है। इसी प्रकार शीतलन या कूलिंग के दौरान भी कारखंड के भागों के तापमान में अंतर पाया जाता है। ये बात आप समझ सकते हैं कि जो अभी वेल्डिंग की गई है वो ज़्यादा हीटिंग लिए होगा और जो उससे दूर वाले भाग होंगे वो ठंडे होंगे, इसीलिए उसके कारखंड में है अंतर पाया जाता है। कुछ धातुओं की स्थिति भागों के तापमान में जो अंतर पाया जाता है उनके अभिलक्षणों के कारण कार्यखंड या जॉब के विभिन्न भागों में असमान तापन तथा शीतलन के फलस्वरूप अर्थात कूलिंग के फलस्वरूप क्रैक तथा ब्रिटल स्पॉट में टूटने वाले हिस्से आदि कई अवगुण पैदा हो जाते हैं। अब बात समझ में आ गई कि दो अवगुण पैदा होते हैं, एक है क्रैक की संभावना और दूसरा है ब्रिटल स्पॉट पैदा होने की संभावना, ये अवगुण कहलाते हैं। इन अवगुणों को कुछ विधियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है जिन्हें वेल्डिंग के ऊष्मा उपचार कहते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई कि वेल्डिंग के ऊष्मा उपचार या हीट ट्रीटमेंट जो है वो क्रैक या जो ब्रिटल स्पॉट हैं उनसे रोकने के लिए या उनसे बचाव करने के लिए हम ये हीट ट्रीटमेंट का कार्य करते हैं। हीट ट्रीटमेंट के जो है दो तरीके हैं, दो मेथड हैं। नंबर एक है पूर्व तापन या प्री हीटिंग और दूसरा है पश्चतापन या पोस्ट हीटिंग। तो सबसे पहले हम प्री हीटिंग को समझने की प्रक्रिया करते हैं कि प्री हीटिंग वास्तव में है क्या। तो प्री हीटिंग माने जैसा कि पूर्व तापन या प्री हीटिंग अर्थात वेल्डिंग की प्रक्रिया से पूर्व जो है जॉब को या कारखंड को गर्म करने की प्रक्रिया को ही हम प्री हीटिंग कहते हैं। जैसा कि नाम के अनुरूप इसमें वेल्डिंग से पूर्व या दौरान वेल्ड किए जाने वाले कारखंड जोड़ को निश्चित तापमान तक
स्थापित किया जाता है। यहां महत्वपूर्ण बात क्या है, एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जिनके द्वारा मैं इस बात को समझाता हूं कि वो निश्चित तापमान क्या है। जैसे तांबा तथा तांबा मिश्र धातु, तांबा और तांबा से मिली हुई जो धातुएं हैं उन्हें हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक तापमान तक प्री हीटिंग करनी होती है। दूसरा एग्जाम्पल है पीतल उच्च जस्ता, पीतल जिसमें जस्ते की मात्रा ज्यादा होती है उसे हमें 260 डिग्री से लेकर के 370 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना पड़ता है। इसी प्रकार पीतल में निम्न जस्ता अर्थात जस्ते की जो मात्रा है वो कम हो उसे हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड से 260 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने की प्रक्रिया की जाती है। इसी प्रकार से सिलिकन कांसा उसे हमें 90 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने की आवश्यकता होती है। तो इसका मतलब है कि ये बात आप समझ गए कि ये एग्जाम्पल क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये टेम्परेचर एक फिक्स रेट तक ही प्री हीटिंग की प्रक्रिया को किया जाता है। अब आइए पूर्ण तापन वेल्डिंग के पश्चात शीतलन दर को घटाता है। देखिए यहां ये महत्वपूर्ण बात को समझ लीजिए क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाता है। पूर्व तापन वेल्डिंग के पश्चात शीतलन दर को घटाता है, जो कूलिंग रेट होती है वो कम हो जाती है अर्थात जो धातु है मेटल है वो धीरे 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 ठंडी होती है। तो इसका मतलब पूर्व तापन या प्री हीटिंग करने से जो शीतलन की दर होती है वो स्लो हो जाती है। अब बाधित या कठोर, बाधित माने रेस्ट्रेंड या रिजिड, जो कठोर या बाधित जो है ज्वाइंट, क्रैक से वेल्ड धातु के बचाव के लिए यह परम आवश्यक है। ये बात आपको समझनी चाहिए। कई अलाव धातुएं जो जिन्हें हम नॉन फेरस कहते हैं जिसमें फेरस या आयरन नहीं होता है, जैसे एल्युमिनियम या पीतल या तांबा आदि तापन से अधिक फैलती हैं। ये बात भी नोट करिए कि अलाव धातुएं जैसे एल्युमिनियम है पीतल है या तांबा है ये जो प्री हीटिंग होती है इससे ज़्यादा फैलती हैं, इनका एक्सपेंशन ज़्यादा होता है। भंगुर होने के कारण कई अलाव धातुएं जो नॉन फेरस होती हैं जैसे ढलवा लोहा है या मध्यम तथा उच्च कार्बन इस्पात में पूर्व तापन की आवश्यकता होती है, यह रिक्वायरमेंट है। प्रत्येक वेल्ड रन के महत्व है महत्व न्यूनतम तापमान से नीचे तापमान को गिरने नहीं दिया जाना चाहिए। इसी जरा बात को फिर से समझें, प्रत्येक वेल्ड रन के दौरान जो है न्यूनतम तापमान के नीचे तापमान को गिरने नहीं दिया जाना चाहिए। अलाव धातुएं या नॉन फेरस मेटल्स की विभिन्न ग्रेडों में वांछित वेल्ड प्राप्त के लिए न्यूनतम तापमान या न्यूनतम पूर्व तापन निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित होता है। ये पॉइंट आपको समझना जरूरी है। जैसे धातु का प्रकार अर्थात धातु किस प्रकार की है, प्लेट की मोटाई क्या है, तीसरा है जोड़ का प्रकार क्या है, चौथा है जोड़ का रोक दर्जा क्या है, पांचवा है मूल धातु संयोजन तथा अभिलक्षण, और पांचवा है ताप निवेश दर। ये पांच बिंदु हैं जिन्हें आपको जानना जरूरी है। अब यहां कुछ महत्वपूर्ण बात आपसे करने जा रहे हैं जो आप निश्चित तौर पर याद करिए। तापन सूचन क्रेयनों द्वारा पूर्व तापन
तापमान की जांच की जा सकती है। अब आपके मन में सवाल आएगी कि हम तापमान का जांच कैसे करेंगे, तो ये है, उसके लिए है तापन सूचन क्रियान, क्लियर। दूसरा है यदि पूर्व तापन किए जाने वाले कारखंड की माप बड़ी हो तो उसे भट्ठी में ही पूर्व तापित किया जाता है। तीसरा पॉइंट है यदि पूर्व तापन किए जाने वाले कारखंड या जॉब की माप छोटी हो तो केवल जोड़ क्षेत्र को ही स्थानिक या लोकलाइज्ड, माने उस पर्टिकुलर एरिया जहां पर जोड़ लगाना है, लोकलाइज पूर्व तापन किया जाता है, इसे स्थानीय पूर्व तापक कहते हैं। स्थानीय मतलब लोकलाइज्ड, उसी लोकल एरिया के अंदर। अब आइए हम अगले बिंदु पर आते हैं, वो है पश्चतापन या पोस्ट हीटिंग। पश्चतापन क्या है? कहते हैं नाम के अनुरूप इसमें बेल्डिंग समाप्ति के तुरंत पश्चात बेल्ड भाग को गर्म किया जाता है, जिससे कठोर और भंगुर दाग या स्पॉट्स को रोका जा सके। पश्चतापन माने पोस्ट हीटिंग के द्वारा अवशिष्ट प्रतिबलों या स्ट्रेस को भी दूर किया जाता है। पश्चतापन के दौरान निम्न बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाता है। नंबर वन, पश्चतापन तापमान पोस्ट हीट टेम्परेचर क्या है? नंबर दो चीज है तापन दर, जो हीटिंग रेट है वो क्या है? तीसरा पॉइंट है शीतलन दर या कूलिंग रेट, भट्ठी में रखे जाने वाला समय। चौथा बिंदु है कि भट्ठी में जो रखे जाने वाला समय है वो कितना है। ये चार बिंदु महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको समझना आवश्यक है। यदि कार्बन स्टील तथा ढलवा लोहे का पश्चतापन नहीं किया जाता है तो उससे के कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई? कि यदि स्टील या ढलवा लोहा, कास्ट आयरन जिसे कहते हैं, अगर उसका पोस्ट हीटिंग नहीं किया जाता है तो उसके कई दोष उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कठोरता, अवशिष्ट प्रतिबल या भंगुरता तथा क्रैक आदि। प्लेन कार्बन स्टील जोड़ के लिए पश्चतापन 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर किया जाता है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर मैंने आपसे चर्चा की। रिवाइंड कर लेते हैं, कुछ मुख्य बिंदुओं को फिर से समझ लेते हैं। प्री हीटिंग और पोस्ट हीटिंग की हमने चर्चा की है। प्री हीटिंग माने बेल्डिंग की प्रक्रिया से पूर्व जो जॉब को हीट करने की या ताप देने की आवश्यकता पड़ती है उसे हम प्री हीटिंग कहते हैं। इसी प्रकार जब बेल्डिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाती है उसके पश्चात कारखंड या जॉब को धीरे धीरे ठंडा करने की प्रक्रिया जो है वो पोस्ट हीटिंग या पश्चतापन की प्रक्रिया कहलाती है। मित्रों, यह विषय आपको कैसा लगा इसके बारे में मुझे अवश्य बताएं और अपने कमेंट दें, साथ में सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।